नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। कश्मीर मामले पर पाकिस्तान ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों से भारत पर दबाव बनाने की अपील। कहा मामले की गंभीरता पर करे गौर। कश्मीर में आम लोगों की जघन्य हत्या और उनके मौलिक मानवाधिकारों के हनन पर जताई चिंता। पाकिस्तान के 13 शहरों में लगे पोस्टर में सेना चीफ राहिल शरीफ से तख्तापलट करने की अपील। पंजाब की मूव ऑन पार्टी ने लगाए थे पोस्टर और बैनर। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये का पर्दाफाश। पाकिस्तान के कॉलेजों में भारत विरोधी आतंकवादियों के बच्चों को दिया जाएगा कोटा। हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई अलगाववादी संगठनों के नेता शामिल। इटली के पुगलिया के दक्षिण क्षेत्र में चार चार कोच वाली दो ट्रेनों के बीच टक्कर। 23 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे से निकला जिंदा मासूम बच्चा। संकट में नेपाल की ओली सरकार। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से वापस लिया समर्थन। पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने पीएम ओली को पत्र लिखकर पार्टी के निर्णय से कराया अवगत। आईएस के लिए धन जुटाने के आरोप में सिंगापुर की अदालत ने चार लोगों को 5 साल की सुनाई सजा। बांग्लादेश मूल के हैं आरोपी। आरोपियों को आईएस के लिए धन जुटाने और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा खारिज। विवादित क्षेत्र पर चीन के दावे का कोई प्रमाण नहीं। फिलीपींस ने जताई खुशी, चीन ने फैसला मानने से किया इनकार। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।